कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम गुजरांवाला में आए हैं अचारी बर्गर खाने के लिए, और मौसम देखें फुल बारिश और मस्त माहौल है, और इस मस्त माहौल में हम खाएंगे अचारी बर्गर। हाय हाय, ये देखें, पहले आई है आंधी और हमारा हाल क्या कर रही है, और मौसम कितना ज़बरदस्त है। ओए होए, ये देखें बारिश, और आज चोरी साहब कह रहे हैं जितना चाहे मौसम जो है ना वो ख़राब हो जाए, अचारी बर्गर हम खा के जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों जी चोरी साहब? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, अचारी बर्गर खा के जाएंगे। हाय हाय हाय, अचारी बर्गर आज खा के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा भाई है, मेरे नाम से कोई भी नहीं जानता यहाँ। अच्छा, शाहपुर से आगे गुजरांवाला में काम शुरू किया है। अच्छा जी, माशाल्लाह। हम बर्गर दे रहे हैं अचारी बर्गर, क्या बात है, जो कि गुजरांवाला में बिल्कुल नहीं है कहीं भी। अच्छा प्यारे भाई, ये क्या लगा रहे हैं? ये है जी शामी वाली। अच्छा ठीक है। अच्छा। शामी का भी तीखा का जो है वो दूसरों से डिफरेंट है। जी जी, नाम लेना मुनासिब नहीं है। गुजरांवाला में मैं आया हूँ, मैंने आके देखे हैं, बड़े बहुत बड़े नाम देखे हैं। अच्छा। वो आधा आधा किलो की शामी लगा देते हैं। हाँ, लेकिन हमारी शामी बहुत छोटी है, लेकिन हमारा टेस्ट बहुत बड़ा है, दिखने में ये ना मुनफरद लग रही है। हाँ, यहाँ आप आएँगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ ही डिफरेंट होगी। यहाँ पे कुछ मैं मटीरियल आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। हमारा बर्गर टोटली होममेड है, इसमें एक कंपनी का घी है और एक कंपनी की कैचअप है, जो कि दोनों सामने पड़ी हुई हैं, 2, 4, 6, 7, और इसमें टोटली होममेड है कैचअप और घी, जो कि मैंने बताया आपको डालटा हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और कई सालों से कर रहे हैं, जो मेरे पास कस्टमर आते हैं सबको पता है कि यहाँ पर डालटा घी होता है, डालटा ना मिले तो मैक्सिमम सूफी ज़रूर होता है। ठीक, इसके अलावा कोई घी हम यूज़ नहीं करते। ब्रेड जो है वो आप चेक करें ज़रा, ब्रेड भी हम अपनी तैयार करवाते हैं। अच्छा, मतलब स्पेशल क्या है कि यार हमें फ्रेश दिया करें, अच्छी दिया करें। ठीक हो गया। ठीक है, ये वो ब्रेड नहीं है, ब्रेड की क्वालिटी चेक कराना। ये देखें यार, ये कितना ताज़ा और फ्रेश है यार, जबरदस्त। आप टिकटॉक पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, मेरा ब्लॉग बने हुए हैं सिग्नेशन चैनल पे, फूड पहलवान पे, और एक अभी भाई आए थे वो, और सिग्नेशन पे भी। असल में हम भी सोशल मीडिया से इनको देख के जो है ना वो आए हैं वीडियो के लिए, और आपके सामने ये बंद है। बंद देखिए आप बर्गर कैसे बनता है, अब आप सबने ये देखना है। जबरदस्त है, तो ये बंद है। इस बंद का जो टेस्ट है वो हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे, चूँकि ये जितना मर्ज़ी सॉफ्ट हो जाए है तो ये मैदा ही है ना। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले इसका टेस्ट ख़त्म करेंगे, और इसका टेस्ट ख़त्म करने के लिए हमने ये चटनी तैयार की हुई है। ठीक है, इसको बर्गर बन पेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पाइसी भी होती है, लेकिन दिखने में जितनी स्पाइसी लगती है इतनी होती नहीं है। सिर्फ ये है बर्गर का जो बंद है, इसका टेस्ट ख़त्म करने के लिए है। ज़बरदस्त हो गया। अब ये बर्गर का जो बंद है ना वो, उसका टेस्ट ख़त्म हो गया। अब अगला हमारा प्रोसीजर होगा, इसमें हम शामी ऐड करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये शामी आ गई है यहाँ पे। तो चूँकि आपको बताता चलूँ, आप आ जाए हैं गुजरांवाला पीपल्स कलोनी में, बिल मुकाबिल अल हबीब बैंक। जी ऐसे ही, ऐसे ही इटालियन पिज़्ज़ा के बिल्कुल सामने। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा बर्गर जो है ना आपने देखा तो होगा वीडियो में, वो भी इनका, और खाया नहीं होगा। अगर नहीं खाया तो आप पीपल कॉलोनी में अल हबीब बैंक जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है ये। हाँ जी, तो आप ट्राई कीजिएगा। इटालियन पिज़्ज़ा के बिल्कुल सामने की हमारा शामिल लग चुका है। ज़बरदस्त। इसके बाद बड़े लोगों ने मेरी चीटिंग करने की कोशिश की है, ये अचार चेक करें। ये वो अचार नहीं है जो घर बैठ के भी आप काट के ले आएँ। मुझे बड़ों ने बड़ी बड़ी चीटिंग करके देखा है, कईयों ने सलाद में अचार मिक्स कराया है, कईयों ने कंपनियों का लगाया है, कईयों ने नेशनल का लगाया है, और जनाब ये जो नकल वाला सिलसिला चल रहा है, ये देखें आवाम दाएं बाएं, वालेकुम सलाम, दाएं बाएं जो आवाम आ रही है यही देखने के लिए आ रही है। ठीक है ना जी? ऐसे ही, ऐसे ही। और इसमें दो चार सैलड के बाद हम लगाएंगे, ये थोड़ा सा सलाद है इसमें, और अच्छा, ये भी आपने अपनी तैयार की हुई है? जी जी, ये भी बाजार से नहीं लेते, लोग लॉन्ग काटते हैं, हमने इसको चॉप किया होता है। ज़बरदस्त। चॉप करने से ये कि हमारी जो सोसेज हैं वो अच्छी तरह जो है ना मैश हो जाती हैं, वो थोड़ा मेल्ट मेल्ट हो जाता है। ये देखें साथ में ये एक लेयर हमारी है, ठीक है, क्रीम पेस्ट आ रही है। ज़बरदस्त। ठीक है, जो कि अक्सर मुझे आके लोग यही डिमांड करते हैं, थोड़ी और दे दें, थोड़ी और दे दें। कभी कभी मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके 20 रुपये लग चार्ज किया। एक लेयर है, और ये कैचअप है वर्दा। जितने मेरे फास्ट फूड वाले हैं मैं सबको कहूँगा वर्दा कैचअप इस्तेमाल करें, है थोड़ी महंगी है लेकिन ये कि आपकी चीज़ का टेस्ट बढ़ जाता है।
मैंने 7 साल से यही केचप शुरू की हुई है। इससे पहले मैं नेशनल यूज़ करता था, ये नेशनल से अच्छी है। तो ये कलवंजी, मेथरे, सौंफ, ये आप देख रहे हैं ऊपर ब्लैक ब्लैक से जो आ रहे हैं, ये कलवंजी है, मेथरे हैं, सौंफ है। अब आ जाए हमारे अंडे की तरफ, तो ये हमारा ऑमलेट अंडा तैयार हो रहा है। ठीक, ये देखें इस तरफ, इस साइड पे जितना मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा हमारा ऑमलेट अंडे के लिए। ठीक है, ये मसाले हम खुद तैयार करते हैं। ये देखें, ये 4-5 चीज़ें ये हैं, ये थोड़ा कोई चाट मसाला है कोई स्पेशल किस्म का। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें मैं ऑमलेट में तैयार करता हूँ। यार क्या बात है, आपने ऐसा बर्गर ना कभी नहीं खाया। इसके बाद आप आ जाएं हमारी डिशों पे, हम डिश वॉश नहीं करते। ये मेरे लेफ्ट पे पड़ी हुई हैं, हम ये शॉपर वेस्ट कर देते हैं। भाई को डिश चेक करवाएं, उस साइड पे भी चेक आ जाए। ये देखिए, ये हम शॉपर यूज़ करते हैं और साथ ही इसको शॉपर को वेस्ट कर देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने ये जो की है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लगाया इन्होंने। यार ये देखें, के कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर शापर है ना, वो आप इधर आए भाई, ऑमलेट बनाए इधर। अच्छा जी, तीन ये चार और ना। अच्छा ये ऑमलेट है, ऑमलेट भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डाल्टा की यूज़ करते हैं। जब ये अंडा बनता है तो फिर वो साथ वाले नेबर भी आके कहते हैं राणा भूख लग गई यार, तो ज़रूर आएँ इसको ट्राई करें। कैचअप का ढेर इसलिए नहीं लगाया कि ये कैचअप की बेस है। अक्सर आप फास्ट फूड वालों के पास जाते हैं तो कैचअप नीचे गिर रही होती है, हम तो साथ भी नहीं देते, कोई डिमांड करे तो देते हैं वरना कैचअप साथ नहीं देते। तो चूँकि इसकी खासा ये है, देखिए पूरे बंद पे ये छुप गया आपका बर्गर ना अंडे के अंदर ही। यार ये चूँकि अंडे वाला बर्गर है तो फिर अंडा तो होना चाहिए ना। तो ये आप हमारा अड्डा वगैरह दिखा दें, बड़े सारे कस्टमर भी बेचक दिखा दें। ये जो वाम आ रही है दूर दूर तक ये बैठी हुई है, सारे बर्गर ही खाने। तो रश काफ़ी है माशाल्लाह, तो भाई का प्यार देखें उन्होंने, फिर भी हमें वीडियो बनाने दी है। तो शुक्रिया भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शालगुड़ बर्गर पॉइंट, पेपर कलोनी, अचारी बर्गर, किसी से भी आप पूछ लें, ठीक है ना, इंशाल्लाह ज़रूर। रियल यही है और इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं। अगर आपको कोई मिले तो मेरा बता दीजिएगा, ये स्टार्ट राना भाई ने किया था। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर। तो जितने सोशल मीडिया पे आपकी ग्रिप हो चुकी है ना, इंशाल्लाह, तो जो फेक आएगा वो पता चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गुजरांवाला के लोग हैं, हमारा फौरन पहचान लेते हैं। हमारी गारंटी ये है कि निशानी है कि हमारे पास और आइटम ही कोई नहीं है। हाँ, ना शोरमा, ना जिंगर, ना चिप्स, कुछ भी नहीं है स्वाइस बर्गर में। जी तो ये बड़ी बात है, ये दिए देखिए बर्गर में अल्लाह ने अच्छा रिजल्ट दे दिया, जबरदस्त हो गया। ये एक ही आइटम है इनके पास और वो ये बर्गर लगा, एक ही और एक में ही लोगों ने भी बड़ा प्यार दिया है और अल्लाह ताला ने भी बड़ा करम किया है। तो ये दिखने में और जरूर आए, इसकी तैयारी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना टेस्ट। मुँह में पानी अगर आ रहा है तो 110 लगा दें, आ जाएँ वेलकम बोल दें हम आपको। ठीक हो गया, ऑनलाइन वेलकम बोलते अच्छा, हैं। अगर कोई वीडियो देख के आता है तो फिर क्या आप डिस्काउंट देते हैं उसको भी 110 का ही है। मेरे घर में से कोई आएगा तो उसको भी 110 का ही है। तो भाई कोई महंगा नहीं है 110 का, 110 का मैं, आप बिलीव करें मुझे कहने वाले कहते हैं राणा साहब महंगा करो, मैं कहता हूँ नहीं यार इसमें ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये क्या ब्रेड, ये ब्रेड हो गया, बर्गर कम्प्लीट हो गया। इसको बाद हम कट करेंगे, कट करके डिश आउट करेंगे और फिर सर्विस देंगे। ठीक हो गया, तो ये और फ्रेश हो जाएगा ऐसा, ये ऐसी बात है ही फ्रेश है। क्या बात है यार, मेरे टिकटॉक पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब वो भाई जान नरम नरम गरम गरम बर्गर मिल जाएगा आपको। थैंक यू। पीछे कितने लगने हैं, पीछे डाइनिंग में कितने हैं? कटिंग देखें भाई की, ज़बरदस्त हो गया। तो इधर 3 बस आपके, 5। तो ये इनका बर्गर जो है ना वो रेडी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो आप वीडियो देख के आप कमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।